यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। रैलियों, जन जागरण के माध्यम से आम आदमी पार्टी अपने जनाधार बनाने की कोशिश में लगी है। वहीं कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी को भी अपने निशाने पर ले रही है। आम आदमी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है कहकर जहां तीखा हमला बोला है, वहीं जन जागरण रैली की अगुवाई करने सतपुली पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भी कांग्रेस के हमले का कड़ा जवाब दिया है, जिससे सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। इस तरीके से हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आप जैसा बिहार के चुनाव में भी आप देखेंगे कि पूरा जो वहाँ पर जो भाजपा की सरकार बनाने की अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 75 सीटों पर लड़के वो केवल 19 सीटें जीत पाई है। और जहाँ तक आप अन्य प्रदेशों में भी बात करेंगे तो आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, अन्य प्रदेशों में भी स्थिति है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने जा रहा है। इस प्रदेश में लगभग 11 विधायक अभी कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि भविष्य में आने वाले टाइम में वो 11 भी नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर यह सशक्त विकल्प है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता 20 साल में दोनों दलों को देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने 10-10 साल राज किया है। 5 साल भाजपा रही, 5 साल कांग्रेस रही, फिर 5 साल भाजपा रही, फिर 5 साल कांग्रेस रही, और 13 जिलों के प्रदेश में जिस तरीके से 9 जिले बदहाली में हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, रोजगार के लिए युवा हमारा तरस रहा है, यहाँ से पलायन बदस्तूर जारी है। अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 29,000 9 महीने में मतदाता बढ़े, उसका 84% मतदाता सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों से बढ़े हैं। रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है जिसमें सिर्फ 50 से भी कम मतदाता बढ़ पाए हैं, तो अगला जो परिसीमन होने वाला है उसमें सीटें घटकर 27 रह जाएंगी। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है और जनता इस बार दोनों दलों को जवाब देगी। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप अन्य राज्यों गोवा का देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से जनता के अंदर आक्रोश है। के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट का निर्णय आया, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, CBI FIR दर्ज करे और जांच करे, लेकिन कानूनी दायित्व पेंच के खेल करके मुख्यमंत्री से बचना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो फेस करिए ना CBI इंक्वायरी, क्या दिक्कत है। तो ये सरकार जो है हर चीज छिपाना चाहती है, लेकिन अब वो छिप नहीं सकती लोगों की नजर में। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं है। यूके लाइव के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।